तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 411 के बारे में, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास इसका है ब्लेजिंग ब्लैक कलर, जो कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें आपको ब्लैक कलर में पूरी बाइक मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग गौर कर सकते हैं, इसमें आपको जो ग्राफिक्स मिलते हैं आपको गोल्डन और रेड कलर में मिलती है, जो की काफी प्यारी लगती है देखने में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं कि 2023 मॉडल न्यू रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 411 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या इसकी लेटेस्ट प्राइस देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी 2022 में इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं टेक्नो। दोस्तों, वीडियो चले गए मेहनत चले गए तो प्लीज अपने तरफ एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में बड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे ने वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लुक के बारे में, तो आपको बता दें कि लुक्स वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाली है, वही सेम आपको पहले की तरह ही काफी अच्छी लुक देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो ब्लेजिंग ब्लैक कलर है, आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रॉयल एनफील्ड स्क्रैम में आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो साइड इंडिकेटर है ना, इसमें अभी भी आपको बल्ब इंडिकेटर मिलता है। हाँ, इसमें पहले भी आपको हैजार्ड स्विच मिल जाती थी, जिसकी मदद से आप लोग चारों इंडिकेटरों को जला सकते थे। और यहाँ पे देखिए रॉयल एनफील्ड की मैचिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके हेडलैम्प के बारे में, तो इसका जो हेडलैम्प है ना, इसमें अभी भी आपको 60/55 वाट का H4 हैलोजन बल्ब मिलता है। इसमें आपको LED हेडलैम्प अभी देखने को नहीं मिलते। नीचे आप देख सकते हैं LED पार्किंग लाइट देखने को मिल रही है, जो कि ऑल टाइम ऑन रहता है। जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे तो आपका जो पार्किंग लाइट है ना, वो ऑलरेडी ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके फ्रंट सेक्शन में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, और इसका जो साइड से लुक है ना, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो आप लोग बताना कि इसका जो साइड प्रोफाइल है ना, आप लोगों को कैसी लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है ना, वही सेम आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जिसमें आपको 41 mm का फॉर्क मिल जाता है, 140 mm का ट्रेवल देखने को मिल जाती है। और इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, डुअल पिस्टन फ्लूटिंग कैलिपर का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जिसकी साइज है 300 mm का। डिस्प्ले के बीच में आप देखिए ABS का चैन लगाया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS पहले भी मिलती थी, अभी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए, ये जो बाइक है ना, ऑफ रोडिंग की बनाई गई है, तो इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा ना, आपको काफी अच्छा मिलता है, जो कि आपको मिलेगा 100/90 का, 19 इंच का ट्यूब टायर मिलेगा स्पॉक व्हील के साथ। तो दोस्तों, गौर करेगा इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें आपको स्पॉक व्हील मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंडल बार पे आपको वही सारे स्विचेस मिल जाते हैं, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और इसका जो साइड मिरर मिलता है ना, वो भी आपको पहले वाला देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसके राइट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप लोग चारों इंडिकेटर को साथ में जला सकते हैं, जो कि आपको फॉगी कंडीशन में राइड करते समय काफी हेल्प करेगा हाईवे पे। और अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो आपको बता दें कि इसके मीटर कंसोल में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें से टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम हटा दिया गया है, जिसे ऑप्शनल रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहेंगे तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम जो है ना, उसे ऑप्शन के थ्रू लगवा सकते हैं, यानी कि एसेसरीज के थ्रू लगवा सकते हैं। बाकी जो मीटर कंसोल है ना, वही सेम आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको ट्रिप ट्रिप मिल जाती है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, टेकोमीटर देखने को मिल जाती है, और इसका जो स्पीडोमीटर मिलता है आपको एनालॉग मिलता है, बाकी सबको छोटे से डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो इसका जो फ्यूल टैंक है ना, वही सेम आपको 15 लीटर मिलती है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और इसका जो फ्यूल टैंक है ना, जैसे हिमालयन का फ्यूल टैंक लगता है देखने में, वही सेम लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको फ्यूल टैंक पे छोटा सा आपको काउल देखने मिल जाता है, जिसपे आपको रॉयल एनफील्ड की बैची मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए गोल्डन और रेड कलर में आपको काफी अच्छी ग्राफिक देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड से प्रोफाइल के बारे में, तो इसका जो साइड से प्रोफाइल है ना, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन वाइज, तो दोस्तों इसका जो इंजन मिलेगा, वॉक मिलता है 411cc का, सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, एयर कूल, जिसका जो मैक्स पावर है वो मिलता है 24.3 bhp का, 6500 rpm पे। इसका जो मैक्स टॉर्क है वॉक मिलता है 32 Nm का, 4250 rpm पे। इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स पहले मिलती थी, अभी भी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप पहले भी मिलता था, अभी भी आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए साइड में देखते हैं हिमालयन स्क्रैम 411 लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये जो 411 स्क्रैम है ना, आपको बता दें कि हिमालयन का ही छोटा रूप है, लेकिन आपको बता दें कि इसकी जो हाइट रखी गई ना, हिमालयन से कम रखी गई है, जो कि शॉर्ट राइडर के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पे देखिए इसका जो सीट मिलता है ना, काफी अच्छे कुशनिंग के साथ आती है, क्योंकि ये एक टूरर बाइक है, तो इसमें आपको जो राइडर सीट है, इसका जो पिलर राइडर सीट है, दोनों आपको काफी कंफर्टेबल मिलते हैं। इसकी जो कुशनिंग मिलती है आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए पिलर ग्रेविल मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो ये जो ग्रेविल है ना, इसे आप लोग चाहेंगे तो साइड पैनल जो होता है ना, उसे आप लोग अटैच करने के लिए आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो
तो इससे आप लोग लॉन्ग राइड भी आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पैनल लगाने के लिए आपको जगह भी देखने को मिल रही है और इसमें आपको पिलियन फुटेज लेडी फुटेज भी देखने को मिल जाती है, तो आपकी जो घर की लेडीज है ना वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल से, तो यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो रियर टेल लाइट मिलता है आपको एलईडी टेल लाइट मिलती है जो की काफी अच्छा लगता है देखने में। तो दोस्तों इसका जो रियर से लुक है ना वो भी आपको सेम मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे साइड से, तो यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके रियर ब्रेक के बारे में, तो इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा आपको मिलता है सिंगल पिस्टन कैलिपर का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलता है जिसकी साइज है 240 mm का। इसमें आपको रियर में आपको एबीएस का चैन मिल जाता है क्योंकि ये डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है। और यहाँ पे आप लोग गौर कर पा रहे होंगे कि इसमें आपको ऑफरोडिंग वाला टायर लगाया गया जो कि काफी अच्छी बात है, जो कि आपको मिलेगा 120/90 का 17 इंच का ट्यूब टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सस्पेंशन है वो आपको मिलता है मोनो शॉक विद लिंक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है जिसमें आपको 180 mm का व्हील ट्रेवल देखने को मिल जाती है। और इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो भी पहले वाली मिलती है। और यहाँ पे देखिए इस साइड बॉडी पे देखते हैं स्क्रैम 411 की आपको बैचिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों फीचर्स वाइज स्पेसिफिकेशन वाइज इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। हाँ आपको बता दें कि इसमें आपको 1 अप्रैल से सारी बाइकों में आपको जितनी बाइकें आती है ना रॉयल एनफील्ड की, होंडा सीबी, होंडा की हो गई, यामाहा की हो गई, सारी बाइकों में आपको BS6 फेज 2.0 इंजन देखने को मिलने वाला है। तो इसमें भी आपको बहुत देर आपको वही इंजन सेम देखने को मिलती है। तो अब इसका जो इंजन मिलेगा ना पहले से और ज्यादा रिफाइन हो जाएगा। और अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 204,921 रुपए एक्स शोरूम यूपी वारंटी की प्राइस। और अगर हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो आपको बता दें कि इसमें आपको कुल 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, 3 अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। तो कलर वाइज वेरिएंट वाइज इसकी जो प्राइस है ना ऊपर नीचे है, तो लगभग आप मान के चलिए 246,000 से 255,000 के बीच में आपको इसके सभी मॉडल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हुई इसके प्राइस की बात जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन वाइज, इसका जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिलता है 1455 mm का, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वॉक मिलता है 200 mm, इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2160 mm, इसकी जो हाइट मिलती है वॉक मिलती है 1165 mm, इसका जो सीट हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 795 mm का, इसका जो कर्व वेट है वो है 185 kg की बाइक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग बताना कि आप लोग को स्क्रैम 411 कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्प देने के लिए मेरे खुश करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।